आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, FCI AG3 के मेंस का रिजल्ट आने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम बैंक की जॉब ज्वाइन करें या FCI की जॉब ज्वाइन करें, क्योंकि कई बच्चों का दोनों जगह सिलेक्शन हो गया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, किसी का RRB PO की कोई तैयारी कर रहा है, कोई IBPS PO की तैयारी कर रहा है, कोई सारे बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर ज़्यादा वरीड है कि कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर होती है जिनका FCI में खास करके सिलेक्शन हो गया है। आज के वीडियो में हम सैलरी स्लिप का कंपैरिजन देखेंगे, लेकिन ये वीडियो केवल सैलरी स्लिप के कंपैरिजन के बारे में नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक जो 3-4 पॉइंट होते हैं जो इन दोनों जॉब्स को कितना अलग कर देते हैं। जो हम सैलरी स्लिप कंपेयर करेंगे वो RRB PO की और FCI AG3 की सैलरी स्लिप कंपेयर करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बैंक जॉब वर्सेज FCI जॉब करके एक कंपेरेटिव एनालिसिस ऑलरेडी हमारे चैनल पर शेयर किया है, तो आप प्लेलिस्ट जो है हमारी कंपेरेटिव एनालिसिस की वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर 10 मिनट में बहुत अच्छे से समझाया पॉइंट वाइज के दोनों की जॉब में क्या डिफरेंस होता है, और जनरल कैडर के में से अगर बैंक जॉब कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस रहता है, डिपो कैडर में क्या रहता है, टेक्निकल कैडर और ये सारे कैडर जो होते हैं इन सब के कंपेरिजन में एक बैंक जॉब जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सैलरी स्लिप वाला पार्ट स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि RRB PO की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चालू हो गई है, तो इसमें इसलिए आप में से जो भी RRB PO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस मॉक जो है वो एक फ्री मॉक टेस्ट लेके आया है। उसके अंदर काफ़ी अच्छे फ्री मॉक टेस्ट है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके उस पर क्लिक करके उसको ज़रूर एक बार ढंग से देख लें और ये फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर से अटैम्प्ट करें, ताकि आपको खुद को एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हमारे पास कई बार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि हमें कोई सस्ता कोर्स बता दो, ये 500 रुपये का कोर्स है, ये बहुत महंगा है, तो ये एक पूरे तरीके से फ्री मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस मॉक लेके आया है, तो इसको ज़रूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि RRB PO की बेसिक पे से हम स्टार्ट करेंगे, दोनों की ग्रॉस सैलरी में कंपेयर करूँगा। तो RRB PO की स्टार्टिंग में बेसिक पे रहती है 36,000 रुपीज़, फिर DA जो वर्तमान रेट चल रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहता है 14,817 रुपीज़। HRA के इसमें मिलते हैं इनको 2,520 रुपीज़, SPA यानी स्पेशल अलाउंस के इनको मिलते हैं 8,334 रुपीज़, फिर एक HFA करके एक फ़ंड रहता है इनके, उसके इनको मिलते हैं 720 रुपये यानी 720 रुपीज़, फिर क्लोजिंग के इनको मिलते हैं 250 रुपये यानी 250 रुपीज़, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको 600 रुपये मिलते हैं यानी 600 रुपीज़, फिर एक इनके लोकेशन अलाउंस होता है उसके इनको मिलते हैं 700 रुपीज़, और एक लैंडिंग अलाउंस होता है उनके इनको मिलते हैं 846 रुपीज़। तो ग्रॉस इनकी सैलरी बनती है एक RRB PO न्यू ज्वाइनिंग की 64,788 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि FCI AG3 की सैलरी क्या होती है। स्टार्टिंग में इनकी बेसिक पे रहती है 28,200 रुपये, फिर DA इनको रहता है 10,490 रुपीज़, HRA इनको रहता है 5,076 रुपीज़, फिर वॉशिंग अलाउंस के इनको मिलते हैं 564 रुपीज़, फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के इनको मिलते हैं 2,820 रुपीज़, हाउस कीपअप अलाउंस के भी इनको उतने ही मिलते हैं 2,820 रुपीज़, कुक अलाउंस के इनको मिलते हैं 564 रुपीज़, और कन्वेंस अलाउंस के इनको मिलते हैं 1,692 रुपीज़। इसके बाद एक और अलाउंस इनको मिलता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, इसके इनको मिलते हैं 564 रुपीज़। तो ग्रॉस सैलरी इनकी बनती है 52,790 रुपीज़ के लगभग इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की ग्रॉस सैलरी में लगभग 12,000 का अंतर होता है एक IBPS RRB PO न्यू ज्वाइनी के और FCI AG3 के। हालांकि FCI AG3 की जो जॉब होती है वो क्लरिकल कैडर की होती है, लेकिन इसके अंदर वैकेंसीज ज़्यादा AG3 में ही आती है। जितनी RRB के अंदर PO की वैकेंसीज आती है उतनी AG3 में इनकी वैकेंसीज रहती है लगभग, तो इसलिए कंपेरिजन इन दोनों का ही बनता है। क्लरिकल जो है वो FCI AG3 के अंदर क्लरिकल को ही बोलते हैं। तो अगर हम RRB क्लरिकल के कंपैरिजन में इसको देखें तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन RRB PO के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इनकी जो ग्रॉस अर्निंग्स होती है उसमें लगभग 12,000 का डिफरेंस होता है। लेकिन FCI में जॉब करने के बहुत सारे अपने फ़ायदे भी होते हैं, खास करके अगर आप जनरल कैडर से या अकाउंट्स कैडर से सेलेक्ट हो। कि सबसे बड़ी चीज़ तो इसके अंदर ये है कि आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती, आप पब्लिक डीलिंग से बच जाते हो। इसके अलावा आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं रहती है, क्योंकि बैंक के अंदर पब्लिक डीलिंग होती है तो आपको पैसे से रोजाना लेन देन करना पड़ता है, तो उसके अंदर फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है वो बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें रूरल पोस्टिंग के ना के बराबर चांसेस होते हैं, खासकर कि जो जनरल कैडर रहता है उसके लिए, अकाउंट्स कैडर रहता है उसके लिए, इनके बड़े बड़े शहरों में ऑफिसेज रहते हैं। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि FCI जॉब वर्सेस बैंक जॉब आप जाके देखें तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। अब हम
आगे बात करें इनके प्रमोशन स्ट्रक्चर वगैरह की, तो उसको भी मैंने उस वीडियो के अंदर पूरा बताया। प्रमोशन बैंकिंग में थोड़े फास्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि बैंकिंग के अंदर प्रमोशन फास्ट होते हैं, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग के अंदर प्रमोशन के तो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्लर्क ज्वाइन करते हैं, पीओ ज्वाइन करते हैं, लेकिन सभी लोग जीएम डीजीएम नहीं बन जाते, एमडी ईडी नहीं बन जाते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं जो उस पद तक पहुँच पाते हैं। इसलिए ये मानना कि बैंकिंग के अंदर सभी के प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे क्लरिकल स्टाफ को जानता हूँ जिनको 5-5 साल लग जाते हैं बैंकिंग में स्किल वन बनने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर और बाकी सारी चीज़ें जो आपको बैंक की जॉब जो लोग करते हैं उनसे जब आप पूछेंगे तो समझ में आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।